रेलगाड़ियाँ। रेलगाड़ियाँ हमेशा ही आने जाने के लिए अच्छा साधन बन गई हैं। अमीर हो या गरीब, सभी क्लास के लोगों के लिए ट्रेनों से यात्रा करना सस्ता भी हो गया है और कंफर्टेबल भी हो गया है। ये एक है रेलगाड़ियों की सेवा प्रदान करने वाला रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है बिदर रेलवे स्टेशन। बिदर से 3 अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2017 के दिन बिदर से कलाबुर्गी के लिए एक ट्रेन का प्रारंभ किया, जिसका नाम था बिदर कलाबुर्गी DEMU। बिदर साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद रेलवे जोन में आता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 669 मीटर। 4 रेलवे ट्रैक हैं और 3 प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर लगभग 28 ट्रेनों का आना जाना रहता है। यहाँ पर 8 ट्रेनें शुरू होती हैं और 8 ट्रेनें अपना सुहाना सफ़र ख़त्म करती हैं। ज़हीराबाद, विकाराबाद, हुमनाबाद, भालकी और उदगीर इसके पड़ोसी रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ से हैदराबाद को जाने वाली गाड़ियाँ ज़हीराबाद, विकाराबाद जंक्शन से होकर गुजरती हैं। औरंगाबाद या मुंबई जाने वाली गाड़ियाँ भालकी, उदगीर से होते हुए जाती हैं। कलाबुर्गी यानी गुलबर्गा जाने वाली गाड़ियाँ खानापुर और हुमनाबाद से होकर जाती हैं। बिदर एक सिंगल डीजल लाइन रेलवे स्टेशन है और ये रेगुलर स्टेशन है। और हाल ही में आई खबर के मुताबिक बिदर से नांदेड़ के बीच एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जो कि अगले 1 या 2 साल में पूरा हो जाएगा। इस नए ट्रैक से ट्रेनें और हनेगांव देगलूर के रास्ते चलकर हजूर साहिब नांदेड़ पहुंचेंगी। और ये ट्रैक बन जाने के बाद बिदर एक पूरी तरह से जंक्शन स्टेशन बन जाएगा। पर फिलहाल जो रूट है, उस रूट पर बिदर से मुंबई को जाने के लिए बिदर CST सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। उसे प्रायोरिटी के साथ साथ हेवी डिमांड भी है। इसके अलावा यहाँ पर बिदर मछलीपट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बिदर यशवंतपुर एक्सप्रेस और हैदराबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, इन ट्रेनों को भी अच्छी खासी डिमांड है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो।